हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वैसे इस वीडियो के टाइटल से आपको शायद कुछ मिसकंसेप्शन हो, तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं पैकेजिंग में डील नहीं करता हूँ, ना मैं इंडोर्स करता हूँ। बट मेरा मानना है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एक पैकेजिंग में फ़ायदा क्या है, किन लोगों को पर्टिकुलरली फ़ायदा है, तो सबसे पहला मुझे फ़ायदा ये लगता है कि अगर कोई पैकेज डील करता है या फिर उन लोगों को फ़ायदा होता है जो पैकेज डील में यू नो इनको इंडोर्स करते हैं या फिर उनको, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कुछ लोगों को अगर हम कैटेगराइज़ करें, जो लोग किसी भी कंट्री में एंटर होते हैं, इलीगली एंटर होते हैं, जस्ट वो पहुँचना चाहते हैं किसी वे बाय हुक और क्रूक, वो पहुँचना चाहते हैं, दे हैव द मनी और उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ अगर वो 10-15 लाख लगा भी देंगे तो वापस से वो 10-15 लाख दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कॉलेज की फ़ीस या कहीं भी। तो अगर किसी ने बॉर्डर क्रॉस करना है और इतने इलीगली वे जाना है, और आपको पता है बॉर्डर क्रॉस करना कितना रिस्की होता है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, लड़कियों के लड़कों तक के भी रेप हो जाते हैं, एंड इट्स टोटली लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन होती है। तो अगर हम उस माइंडसेट को देखें कि कोई इंसान जिसको स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस क्या है, क्या उसका फ़ायदा है, क्या नहीं है, सब या इंटरेस्ट नहीं है या वो समझना नहीं चाह रहा, नहीं, बेसिकली हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी पसंद सोचने का तरीका होता है, ठीक है ना। हम इंसान सभी एक दूसरे टोटली डिफरेंट है। तो अगर कोई लोग इलीगल वे अपनाना चाहते थे कहीं भी पहुँचने का बाय हुक और क्रूक, तो उन लोगों को अगर कोई पैकेज नाम की चीज़ मिलती है जिसमें जी लोग कहते हैं कि जी हम सारी पैसे जो आप बाद में लेंगे देना, आप तो यू नो कोई कॉलेज कुछ नहीं बताता, जस्ट आपको वीज़ा मिल जाएगा, इन चीज़ों से मतलब होता है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें फिर ये पैकेज फिर भी सेंस मेक करती, क्योंकि शायद अगर आप मोस्ट लोगों को पता भी, अगर नहीं भी पता होगा कि पैकेज में एक्चुअल में कोई कंसल्टेंट आपकी फ़ीस भरता नहीं है, ठीक है ना। तो इनिशियली अगर आप 15 लाख लगा भी देते हो, किसी को दे भी देते हो, तो वापस से आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाता है 15 लाख, चाहे वो कई बार GIC में भी करना पड़े, कुछ कंसल्टेंट GIC भी नहीं भरते, बट ट्यूशन फीस का तो आपको 101% दोबारा से भरनी पड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं टोटली मिडिल क्लास है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी पॉकेट अलाउ करती है। तो उन लोगों के लिए एक मेंटल सिक्योरिटी, और उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी देर से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, कुछ बच्चे होते हैं जो चीज़ों को समझ लेते हैं, बट कुछ होते हैं कि जिनका इंटरेस्ट नहीं होता। वैसे मेरा भी यार, अगर मुझे मैथ नहीं पसंद, मुझे जितना मर्जी जोर लगा लो, मेरा उसमें इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, तो मैं नहीं देखता, है ना। तो ऐसे ही अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं है, आपको सिर्फ वीज़ा से मतलब, क्या भाई मेरा वीज़ा लगे, मैं पहुँचूँ वहाँ पर, ठीक है 10-15 लाख में लग जाएंगे, तो दोबारा से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पैकेज का मुझे कहते हैं सर कर लो, मैं कहता हूँ सर उसमें, फिर मैं उनको कौन से बताता हूँ उसमें लोग पैसे वगैरह इन्वेस्ट करते, कहते तो कोई बात नहीं सर, एक बार पहुँच हो जाएंगे ना, हम दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए पैकेज इज डज मेक सेंस एंड उनके लिए बेनिफिशियल है, अगर वो सारे पैसे टोटली वीज़ा लगने के बाद दे रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो, आपको ये चीज़ें प्रोसेस से वीज़ा कैसे लगता है, कौन स्कूल सिलेक्शन, इन सब चीज़ों की समझ नहीं है, या फिर आप समझना नहीं चाहते, या आपको सिंपली पल्ले नहीं पड़ते, जैसे मुझे मैथ पल्ले नहीं पड़ता तो मैं इग्नोर करता हूँ, तो ऐसे अगर आपको समझ नहीं आता तो जी हाँ यार पैकेजिंग कर लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं, अगर आपको पता है कि यार अगर मैं एक बारी 10-15 लाख लगा रहा हूँ तो टोटली मुझे जैसे मैं वहाँ पर रीच किया दोबारा से मुझे 10-15 लाख लगाने पड़ेंगे, एंड कॉलेज भी चेंज करना है, एंड दोबारा से एडमिशन भी लेनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, घर वाले पता नहीं लोन लेके फिर पैसे दे रहे हैं, घर वालों को वापस ही भेज रहे हैं, 15 लाख के द्वारा 15 लाख मैं कैसे दूंगा, आई हैव नो आइडिया। तो उन लोगों के लिए पैकेज मेक सेंस नहीं मेक करता, बट जो लोग कर सकते हैं उनको ये चीज़ें सेंस मेक करती हैं। तो देख लीजिए आप जो भी है, अगर आपको सेंस मेक करती है आप ज़रूर कीजिए, अगर नहीं करती तो ना कीजिए, ठीक है ना। चॉइस आपकी है, पैसे आपके हैं, मर्ज़ी आपकी है, तो सोच समझ के पैसा लें। एंड सो फार अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, कुछ हद तक सेंस में कर रही है, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी सोच या फिर मेरी बात करने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका पसंद है, आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ भाई इंस्टाग्राम का लिंक नीचे पड़ा हुआ है, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। मैं डेली 9:30 to 10 AM लाइव होता हूँ वहाँ पर, तो मेरे से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो स्टूडेंट वीज़ा को लेकर आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड सो फार वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।